कप्तान के खिलाड़ी फ्रंट फुट पर, विहाड़ी और खानेवाल के दरमियान खेली जारहाना इनिंग। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का हंगामी दौरा। टेस्टों की फीस वसूली की शिकायत पर इजहारे बरहमी। महकमा तालीम के दौरे पर गैर हाजिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मिसबा रफीक को भी तब्दील करने का हुक्म। शहर में मौसर सफाई न होने पर चीफ ऑफिसर बल्दिया हाफिज काशिफ अरशाद को भी घर बिठा दिया। कोट अद्दू में 3 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जाम आफ्ताब ने तमाम महकमों को रमजानुल मुबारक की आमद से कबल इंतजाम करने के अहकाम जारी कर दिए। मीटिंग में अंजुमन ताजरान, महकमा हेल्थ, म्यूनिसिपल कमेटी, मार्केट कमेटी, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर समेत दीगर इदारों के अफसरान की शिरकत। मुल्तान वरियाम चौक पर सफाई के नाकिस सूरत हाल, गंदगी के ढेर और बदबू से करीबी दुकानदारों को परेशानी का सामना। गंदगी के बायस गाहक न आने से कारोबार मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर डेरा काजी खान ताहिर फारूक का ट्राइबल एरिया का दौरा। अस्पतालों और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के थानों का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और मुलाजमीन की हाजिरी, अद्वियात और रिकॉर्ड रूम भी चेक किया। हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सालगिरह, साथ ही जजेस वकलास जीजो कारिब की जानी से मुबारकबाद। उधर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के जस्टिस फारूक हैदर की भी सालगिरह, जजेस वकला दोस्त अहबाब की मुबारकबाद। मियांवाली में जश्न बहारा की तकरीब, डिप्टी कमिश्नर शोएब जदों ने तकरीब का इफ्तिताह किया। नेजाबाजी के मुकाबले, शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। और मुल्तान का मौसम आज गर्म और अबर आलूद रहेगा। दिन भर गर्द आलूद हवाएं चलने, जबकि रात में बारिश और आंधी का इम्कान।